हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं मिस्टर श्रवण, MVAS इंटर कॉलेज अटेसुआ मुर्दा वाराणसी में आपका इंग्लिश टीचर। करके कल के क्लास में हम लोगों ने अ गर्ल विथ अ बास्केट का पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे राइटर जो विलियम सी डगलस है, वे कैसे भारत में अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि विलियम सी डगलस के जो भारत भ्रमण के दौरान जो एक्सपीरियंस है, उसको कैसे अच्छे से रेखांकित किया गया है। विलियम सी डगलस थे, वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। 1950 में यह भारत आए थे। अपनी या भारत यात्रा के दौरान यह नई दिल्ली से जो रानीखेत वहाँ की यात्रा किए थे, उसी यात्रा का विवरण इन्होंने इसमें दिया है। कल हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ पे इनके यात्रा के कुछ बातों को पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आगे है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1,000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विद द फ्लड वाटर्स इट्स अब ओवरफॉल फ्लो इंटेंडिंग thousands of areas of rice to the इसमें राइटर बताते हैं कि जब मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, the route lay through one of the richest of India's agriculture areas। तो मेरा जो दिल्ली से रानीखेत जाने का रास्ता था, वह वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, भारत के एक कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर गुजरा था। यानी द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। मेरा जो यात्रा था उस यात्रा का जो रास्ता था, वह भारत के एक कृषि प्रधान क्षेत्र से गुजरा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1,000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। और यह जो कृषि प्रधान एरिया था, यह कैसा था? यह समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचे, लेकिन उस कटिबंधीय गंगा नदी का मैदानी भाग था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विद द फ्लड वाटर्स इट्स ओवरफ्लो इंटेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस। आगे यह बताते हैं, द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विद फ्लड वाटर्स इट्स ओवरफ्लो। हाँ, यहाँ से द गंगा वॉज बताते हैं कि गंगा जो थी, अबे यहाँ से अपने रास्ते के दौरान ये जो प्लेन मैदान है, इसके एरिया का यह वर्णन कर रहे हैं कि वह कैसा है। यह गंगा के ऊपरी सतह वाली उपजाऊ मिट्टी के बारे में बता रहे हैं और गंगा नदी की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा जो थी वह भूरी गाद से भरी हुई थी, मतलब उसमें बाढ़ की कंडीशन थी और गंगा जलोढ़ मिट्टी, जो बाढ़ के पानी में आई हुई मिट्टी होती है जिससे पानी का रंग गाढ़ा हो जाता है, मतलब भूरा हो जाता है, वैसी थी। तो गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा पूरी तरीके से भूरी गाद से भरी थी। स्वेलोन विथ फ्लड वाटर्स, और जो कि मतलब वह पानी जो कि बाढ़ के पानी से
पूरी तरीके से उफान पर थी। इट्स ओवरफ्लो इंटेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस, इसके जो बढ़े हुए पानी थे उससे हजारों एकड़ चावल के खेत डूब गए थे, यानी पानी से भर गए थे। टू द नॉर्थ वर्थ वॉर जंगल्स, अभी बताते हैं कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे उसके नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में जंगल थे। अभी इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे ये ट्रेन में बैठे और जैसे जैसे इनका ट्रेन चल रहा था वैसे वैसे यात्रा के विवरण दे रहे थे। ट्रेन में दो साइड होते हैं, एक साइड इन्होंने देखा कि ट्रेन का जो मतलब जो एक साइड का एरिया था उसमें वह गंगा का एक प्लेन मैदान था, गंगा का एक प्लेन मैदान था मतलब गंगा नदी का उसके किनारे की उपजाऊ मिट्टी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि बहुत प्लेन मैदान था। उस समय गंगा उफान पर थी, जिससे उफान पर थी, हजारों एकड़ चावल के खेत उसके बाढ़ के पानी की वजह से डूब गए थे। और दूसरे साइड का वर्णन कर रहे हैं कि टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और उसके नॉर्थ एरिया में उसका उत्तरी एरिया था वह एकदम जंगल था, मतलब दूसरा एरिया जंगली था और एक एरिया उपजाऊ था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, जंगल कैसा था कि आदमी के सर से भी ऊंचे ऊंचे घास, विशाल घास का विस्तार था, ऐसा जंगल था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, इतने विशाल थे कि आदमी से इतने विशाल जंगल थे कि आदमी के सर से भी बड़े घास का पूरा विस्तार था। अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द हाउस ऑफ टाइगर एलिफेंट्स पाइथन एंड ज़ेब्रास, बताते हैं कि तथा उसके बाद एक अखंड न खत्म होने वाले झुरमुट के विशाल पेड़ों का समूह था, विशाल पेड़ थे जो कि टाइगर, हाथी, कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक जानवरों के घर थे। आगे है, एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द स्कैट सेक्रेट बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्री सेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। हॉट हमिद एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। द विलेजेस वर पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग्स, देयर पिग्ड रूफ्स वर थैस्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बंबू पोल स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। दैट डे द पंपकिन वाइन दैट grow over them were in bloom, trailing streaks of yellow over crab walls. आगे बताते हैं कि everywhere else there was a flat land running to the horizon, हर दूसरी जगह, यह बताते हैं हर दूसरी जगह क्षितिज तक जाने वाले समतल भूमि थे, समतल भूमि के मैदान थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियान ट्री और रोज ऑफ पाकर ट्री सेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, लेकिन उसके दूसरी ओर लंबे मोटी मुड़ी हुई सूढ़ के समान छितराए हुए बरगद, पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ की पंक्तियाँ थी। हॉट हमिद एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम
द साउथ वेस्ट। वे बताते हैं उस मैदानी उस जंगली इलाके के बारे में बताते हैं। अब आगे बताते हैं, हॉट हमीद एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द वेस्ट साउथ। ये ट्रेन में थे और बताते हैं कि गर्म और नर्म हवाएं साउथ वेस्ट से अंदर आ रही थी, मतलब ये ट्रेन के अंदर थे। और बताते हैं कि मूविंग इन अंदर आ मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, उधर से साउथ वेस्ट से गर्म नम हवाएं अंदर आ रही थी। इसके बाद एक स्टेशन का जिक्र करते हैं, स्टेशन पे जानवरों की क्या स्थिति थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ शूंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। आगे आप बताते हैं कि स्टेशन पे बंदर भी थे जिनमें से कुछ अपनी माँ के साथ, मतलब कुछ अपनी माँ के साथ माँ से लिपट रहे थे और उसके ऊपर नीचे दौड़ रहे थे, मतलब अपनी माँ से इधर खेल रहे थे। और उनमें से कुछ थे जो भोजन की तलाश में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। इसके बाद लेखक बताते हैं कि द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडक। इसके बाद अब मैदान का वर्णन किया। अब इसके बाद ये गांव के बारे में बताते हैं कि द विलेजेस वी पास्ड, हम जैसे जैसे गांव से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडक। हम जैसे जिन गांव से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि उनके जो दीवार थे, वो जो मकान बने थे गांव में, जो मकान बने थे उनके दीवार जो थे वह पानी और गाय के गोबर से सनी हुई मिट्टी यानी कीचड़ से बने हुए थे। देयर पिग्ड रूफ वर थैस्ड, उनके जो छत थे वह घास फूस से बनाए गए थे। बंडल ऑफ ग्रास टाइट टू बम्बू पोल स्ट्रेस्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। वे बताते हैं कि उसके जो छत थे, तो उन दीवारें जो थी वह गाय के गोबर और मिट्टी से सनी हुई कीचड़ से बनाए गए थे। और उनके जो छत थे वह घास फूस से बनाए गए थे, जिसमें घास के बंडलों को बांस के पोल से बांधकर पूरे छत तक फैलाया गया था। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रो ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ एलो ओवर ड्रैप वॉल्स। वे बताते हैं कि उन दिनों, मतलब सब्जियों और फल के बारे में बता रहे हैं, कि उन दिनों कद्दू की बड़ी हुई बेलें फूल ले रही थी, यानी बढ़ रही थी, फूल ले रही थी, जो कि नीरस दीवारों पर पीले रंग की रंग बिरंगी धारियों की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब जो दीवारें थी उस पर वह पंपकिन की जो लताएं थी, जो उसकी बेलें थी, वह ऐसे चढ़ी हुई थी, जिससे मानो लग रहा था कि इन नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियां बहुत सुंदर लग रही हैं। अब इस को हमने यहाँ तक पढ़ा, इसको आप लोग दो बार तीन बार इसको रिवाइज करें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। इस समय हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन में कुछ पढ़ाया जाए, कुछ सिखाया जाए, इसमें हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। इसलिए इसको पढ़ें, रिवीजन करें और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें,
अपने आसपास सफाई बनाए रखे, दूसरों को जागरूक करे और सुरक्षित रहे। थैंक यू।